आपके बीच में लेकर आ रहे हैं कहानी नीरज बवाना की। नीरज बवाना की पूरी कहानी सुनाएंगे हम इस वीडियो में कि नीरज बवाना किस तरह उतरा क्राइम की दुनिया में। नीरज बवाना का जन्म हुआ था 5 अगस्त 1988 बवाना के अंदर। नीरज बवाना का असली नाम है नीरज सहरावत। नीरज बवाना का एक भाई और भी है बड़ा, जो कि क्राइम में नीरज बवाना से पहले उतर चुका था। नीरज बवाना इस वक्त तिहाड़ जेल में है और तिहाड़ जेल में से सारा काम वो करता है। नीरज बवाना के पिताजी एक बस कंडक्टर थे और वो उसको एक बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, लेकिन नीरज बवाना के भाई ने बड़े ने क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया और पीछे पीछे फिर नीरज बवाना भी जा पहुंचा। 16 साल की उम्र में नीरज बवाना ने मर्डर कर दिया था और वो क्राइम की दुनिया में छा गया। उसके बाद नीरज बवाना ने जब जेल में गया तो उसकी मुलाकात हुई फजल रहमान दाऊद के लिए काम करता था और उसने सारी बारीकियां सिखाई नीरज बवाना को कि रंगदारी में कैसे पैसे मिलते हैं और रंगदारी किस तरह करी जाती है। फिर उसके बाद नीरज बवाना ने बिल्डरों को धमकी देकर पैसा वसूलने का काम किया और पूरे उसके 4 राज्यों में क्राइम पर क्राइम करता गया और एक दिन बन गया दिल्ली का मोस्ट वांटेड, सबसे बड़ा डॉन, जो कि दाऊद के नक्शे पर खुद के लिए अपने आप को डॉन बनाना चाहता था। और नीरज बवाना आज है दिल्ली का सबसे बड़ा डॉन। नीरज बवाना की एक फ़ोटो हमें इंटरनेट पर शक्ति कपूर के साथ भी मिली है, शायद किसी फंक्शन या किसी में शक्ति कपूर से मुलाकात हुई हो, तो वो भी आपके लिए पिक हमने डाल रखी है, आप देख सकते हो। और दोस्तों, अगर ऐसे वीडियो आगे की और भी चाहिए तो हमें कमेंट कर बताइए अगली वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए। और ये वीडियो हम इस मकसद से बना रहे हैं दोस्तों कि कोई फ़ायदा नहीं है क्राइम की दुनिया में जाने से, क्योंकि क्राइम का एंड बहुत ही बुरा होता है। इसीलिए हम इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहते हैं कि क्राइम में ना जाओ तो अच्छा है, क्राइम का एंड बुरा ही होता है, या तो इनकाउंटर में मारे जाते हैं या पूरी ज़िंदगी जेल में कटती है, जैसे कि नीरज बवाना इस समय ऐसे करती है। नीरज बवाना और उसकी गैंग के सदस्य दिन दहाड़े वारदात।